आप वोट डालने जाएंगे इस बारे? हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली। वोटर आईडी कार्ड है? हाँ, वोटर आईडी बट है नहीं, और मेरा वोटर आईडी पेंडिंग में डाला है, तो ओके जाके देखता हूँ तो हो जाएगा, डालने जा सकता है। तो इस बारे किसको पीएम के सीट पर देखना चाहेंगे? बिल्कुल डेफिनेट पीएम फॉर नरेंद्र मोदी हमारे ऑन बीजेपी। तो आप ये पहली बार आप वोट डालने जाएंगे? तो ये बताइए, अभी तक आपके घर में ऐसा होता है, या मतलब आपको लगता है कि जब आप वोट डालने जाते हैं तो आपके पेरेंट्स जो वोट डालते हैं उससे आपका डिसीजन इन्फ्लुएंस होता है? हाँ, जैसे पेरेंट्स जा रहे हो तो इस चीज़ को हमको पता होता है कि मेरे पेरेंट्स जा रहे हैं, तो एक बात माहौल बनता है ना कि हम किस पर्सन को वोट दे रहे हैं, किस पार्टी को हमारा वोट जा रहा है, तो जो है वो फाइनली फुल टू बीजेपी। अगर आपके मम्मी पापा जो है बीजेपी को वोट डालना चाहते हैं, पर आप कांग्रेस को या आम आदमी पार्टी को या वहाँ के किसी और पार्टी को डालना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे जाएंगे? नहीं, जो मम्मी पापा बीजेपी कह रहे तो नहीं, नहीं बीजेपी। बिल्कुल, अगर मेरे मामा पापा अगर जा रहे हैं बीजेपी और मैं अगर कांग्रेस में जा रहा हूँ, या मेरे को जो कांग्रेस लग रही है अच्छी या बीजेपी, बात ये है कि जो हमारे इंडिया के लिए वर्क कर रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, हमको ये देखना है कि हमारे इंडिया में ग्रोथ हो रही है तो किस पार्टी से हो रही है, और बंदा क्या कर रहा है सामने वाला, जो हमारे लिए मेन पर्पज़ है। अगर फैमिली जा रही है बीजेपी और कांग्रेस जा रही है, और कांग्रेस अच्छा कर रही है बीजेपी नहीं कर रही है, कांग्रेस अच्छा की तो मैं कांग्रेस साइड जाऊँगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि पर्टिकुलर हर बीजेपी है, बट जो अच्छा करेगा बेटर करेगा इंडिया के लिए, क्योंकि अगर इंडिया का बेटर होगा तो हमारा बेटर होगा, इसीलिए पर्सन मैन। तो इस बार जब आप वोट डालेंगे या जब भी आप वोट डालते हैं या डालेंगे, तो आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो कैंडिडेट है, रिप्रेजेंटेटिव कैंडिडेट, आप उसको ध्यान में रख के डालते हैं या पार्टी को ध्यान में रख के डालते हैं, या पीएम के लिए कौन रेस में है उसको ध्यान में रख के डालते हैं? मैं अगर आपके अकॉर्डिंग बोलूँ, जैसे आपने बोला है कि बंदे को, जो मेरा पार्टी का मेंबर है उसको देखूँ या पार्टी को देखूँ, पार्टी में कौन सा मेंबर है ये बात नहीं होती, कि मेंबर किस पार्टी से है और क्या हमारे लिए एक्सपेक्टेशन दे सकता है हमारे पब्लिक के लिए, वो मायने रखता है, इसीलिए पार्टी को साइड में रखे हुए हम पर्सन को देखें जो हमारे एरिया को कवर करता है, इसीलिए वो किसी भी पार्टी का हो, भले मैं बीजेपी का हूँ लेकिन हमारे एरिया में कौन सी बीजेपी है या हमारा ब्लॉक में कौन कांग्रेस है, हमारे लिए कौन बेटर है जी, हमें उस बंदे से पता चलेगा, यानी मेंबर से जो हमारे लिए कुछ कर रहा है, या वो पीएम के लिए बहुत ही बेटर है, या पीएम ने उस चीज़ को अवॉइड नहीं करके उसको रखा है, इसलिए मैं पब्लिक देखता हूँ तो पार्टी को नहीं देख के बंदे को एम्प्लॉय करूँगा। हाँ, अगर मैं नरेंद्र मोदी जी की और राहुल गांधी जी की बात करूँ, तो आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से किसने यूथ पे, यंगस्टर्स पे, और स्पेशली फर्स्ट टाइम वोटर्स पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस डाला है? या यू नो यंगस्टर या ओल्ड पर्सन, बात एक्सपीरियंस की है और हमारे इस जनरेशन को समझने में होता है, कि जैसे देखा जाए आपने मेरे से बोला है कि राहुल गांधी यंगस्टर्स टू योर जनरेशन अबाउट फॉर थिंकिंग न्यू, बट नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो उसने, क्या आपने देखा है, वंस 26 ईयर्स ओल्ड हो गया, कि कांग्रेस बहुत टाइम से हमारे इंडिया में है, बट अगर देखा जाए जो बीजेपी है हमारी आई है, तो उसने क्या हमारा डेवलप किया, हमारे किस किन कंट्रियों में और उसने जाया देखा है, बहुत सारी योजनाओं को लेकर आया है, बहुत सारी ऐसे स्टाम्प पे किया है, बहुत सारे देशों के पीएम्स वगैरह से बहुत सारी बातों को रखा है, तो बात ये होती है कि हमारा बीजेपी से मतलब नहीं, कौन बंदा है जो हमारे देश के लिए कर रहा, तो ओके सो लुक नरेंद्र मोदी। और राहुल गांधी की अगर बात करें, बातों से कुछ नहीं होता, ओके देखा है 5 साल पहले मनमोहन को क्या किया, कितनी सारी देशों में जाके गया, लेकिन अभी आपको बता दूं मैं कि जब नरेंद्र मोदी ने जब पीएम बना था तो उसने इतनी सारी कंट्री में जाके बहुत सारी बातों को रखा, किसने किया अभी तक, किसने किया ऐसा, नहीं किया ना, वो एक ऐसा पर्सन है। तो इस बारी अब जब नई सरकार आएगी 5 साल के लिए, तो इस बारी अगर मैं पूछूं एक एक्सपेक्टेशन, वन एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द न्यू गवर्नमेंट, व्हाट विल इट बी? या अगर आपके अकॉर्डिंग या मैं अपने अकॉर्डिंग बोलूँ, जो एक्सपेक्टेशन देता हूँ तो, और मेरे अकॉर्डिंग तो ठीक है, अगर पब्लिक की डिमांड है ना, तो हमारे पब्लिक 100% में 78% हमारा बीजेपी को रहेगा, क्योंकि जो कहा है जो किया है वो करके दिखाया उसने, अब उसने जो बोला है, क्योंकि उसने अपने आपको क्या कहा है, मैं एक चौकीदार हूँ, या चौकीदार बोला है, तो हमारे देश में ना बहुत सारे मिनिस्टर लोग एसी गाड़ियों बैठ के बोलते हैं मैं भी चौकीदार हूँ, बोलते हैं ना, बोलने से कुछ नहीं होता, उसने कुछ किया है, उसने इस देश के लिए देखा है, और मैं नहीं बोल रहा, आप नहीं बोल रहे, पूरी पब्लिक बोल रही है कि पीएम फॉर मोदी।